हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा भाई रोटी बनाने जा रहा है। लोई काट चुका है और उधर भिंडी की सब्जी चढ़ी हुई है गैस में। ये हमारा रूम है, ये हम लोगों का रूम है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये आटा निकाला परथन के लिए, और ये तवा चढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम गोली रोटी बन के तैयार होंगी। ये धीरे धीरे हाथ को अपने एक हाथ से सब्जी चला रहे हैं और दूसरे हाथ से अपने लोई को मजबूत कर रहे हैं। भिंडी की सब्जी बहुत स्पीड में पकती है, इसे चलाते रहें नहीं तो जल जाती है। भिंडी की सब्जी को चलाते ही रहें। जैसा कि देख सकते हैं आप धनिया डाल रहे हैं मसाले में। भिंडी की सब्जी में ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता है। और ये थोड़ा राजेश की पैकेट आड़ के डाल ये राजेश की पैकेट थोड़ा पड़ गया मसाला। देखिए रंग, भिंडी का रंग चेंज हो गया है। और ये फार्चून का आटा है जो बहुत ही घटिया, मान जो बहुत ही सही आटा होता है। और ये बाहर की लोकेशन है, ये हम लोगों की बुक्स रखी हुई है। जैसे कि आप हमारे बुक्स को देख सकते हैं, भैया ने जहरा क्वालिफाई करके रिसर्च कर रहे हैं BHU से। और ये हमारा बोर्ड है जहां हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारी स्टडी टेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सब्जी उतर चुकी है और तवा चढ़ गया है। रोटी बनाने की स्पीड बढ़ रही है, देख सकते हैं दोस्तों एकदम गोली रोटी बन के तैयार हो गई है। ये तवा में रोटी गई। एक रोटी तवा में चढ़ गई है, दूसरी रोटी भैया ये रोटी को पलटा दिया गया है। रोटी में लाल लाल पन आ गया है, लाल। एकदम गोली रोटी बन रही है, बड़ी बड़ी तवा के बराबर रोटी बन रही है। रोटी बनाने में कोई कमी नहीं है, देख सकते हैं। ये देखिए एक लोई गुरमेटी जा रही है। अरे ये देखिए एकदम
तैयार हो गई है। ये देखिए ये तवा दूसरा कर गई, ये देख सकते हैं रोटी आप कैसी एकदम कड़क रोटी आई हुई है। दूसरी रोटी जा रही है, तीसरी रोटी वेली जा रही है। आप जितनी सारी रोटी बनाएंगे सब ऐसे ही फूलती है रोटी। रोटी बनाने की तकनीक होनी चाहिए और अच्छे से मुलायम हाथों से आटे को लगाकर रख देना चाहिए। 10-5 मिनट के बाद फिर बनाना चालू करना चाहिए। देख सकते हैं दूसरी रोटी बहुत तेजी से फूल गई है। देख सकते हैं ये फूल कर तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं ये आ गई तीसरी रोटी, चला गई चौथी रोटी बेलने जा रहे हैं भैया जी। चलिए दोस्तों इतना बहुत हो चुका वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।